हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन। यू ऑलरेडी नो व्हाट आर सॉल्यूशंस। आप सॉल्यूशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो यदि हम देखें जिस सॉल्यूशन जैसे है, आप डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। मेडिसिन भी एक तरह से सॉल्यूशंस ही होते हैं। टू से अधिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं सॉल्यूशन में। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे यदि हम सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, सॉल्ट या शुगर ने, तो एक हो जाएगा कंपोनेंट सॉल्ट और दूसरा हो जाएगा वाटर। तो इस तरह से और हम उनको मिक्स कर देते हैं, तो ये सॉल्ट या शुगर को मिक्स करने के बाद यदि देखें तो एकदम क्लियर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के जो क्लियर सॉल्यूशंस होते हैं, जहाँ पर हमें सिंगल फेज दिखाई देता है, मतलब बी अनेबल टू सी टू डिफरेंट कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, हम उस सॉल्यूशन में, उस मिक्सचर में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट डिजॉल्व होने के बाद नहीं देख पाते हैं, तो इस तरह के मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। टू और मोर सब्सटेंसेस के होमोजीनियस, होमो मतलब होता है सेम, जीनस माने फेज। तो जहाँ पर सेम फेज में, मतलब देयर इज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द होल मिक्सचर, दैट काइंड ऑफ मिक्सचर्स आर आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। उनको हम सॉल्यूशन का नाम भी देते हैं। तो सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मीन्स देयर इज नो सेपरेट बाउंड्रीज बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बीच में किसी भी तरह का सेपरेट बाउंड्री नहीं होता है। और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम, मतलब जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, किसी भी पार्टिकल को कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, हम उनको नेकेड आइज के द्वारा नहीं देख सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पर सॉल्यूशन को इस तरह से क्लासीफाई किया गया है, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स, जिसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी है हैविंग 3 कंपोनेंट्स, क्वार्टरनरी हैविंग 4 कंपोनेंट्स, इसी तरह से 5 कंपोनेंट्स वाला भी हो जाएगा, 6 कंपोनेंट वाला भी हो सकता है, बट इन अवर सिलेबस ओनली बाइनरी सॉल्यूशन इज इंक्लूडेड। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये बाइनरी सॉल्यूशन ही है। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब टू कंपोनेंट्स है, वन कंपोनेंट इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। तो जनरली इस चैप्टर में हम लोग सॉल्यूट को बी के द्वारा और सॉल्वेंट को ए के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जहां जहां पर भी सॉल्यूट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बी लिखा होगा वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा और ए होगा वह सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब व्हाट इज जो है सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट होता है विच प्रेजेंट इन जनरली स्मॉल क्वांटिटी एंड विच डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। तो इस तरह से यदि हम सॉल्यूट को देखें, जनरली ये प्रेजेंट होता है लेस अमाउंट में, प्रेजेंट इन लेस या लेसर अमाउंट। तो सॉल्यूट इज ए कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच डिजॉल्व इन द गिवन सॉल्वेंट, जो किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है एंड इट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। सॉल्वेंट होता है जनरली ये प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट या लार्जर अमाउंट, एंड सॉल्वेंट डिजॉल्व द सॉल्यूट, ये सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है जबकि सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। तो इस तरह से ये टू कंपोनेंट्स वाले में वन सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। अब यदि हम ये देखें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशंस क्लासिफाइड इनटू 9 टाइप्स। टोटल सॉल्यूशन को 9 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सॉल्यूशन जो होते हैं, दे आर पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, इसलिए हम उसको जो है नेकेड आइज से उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत स्मॉल साइज का है, 1 नैनोमीटर काफ़ी कम हो जाता है। अब हम देखें यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट,
सॉल्यूशंस आर कैटेगराइज्ड इनटू 9 टाइप्स। तो देखिए फर्स्ट में जैसे हमने सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जांपल, फर्स्ट है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन उन सॉल्यूशन को बोलते हैं जहां पर सॉल्वेंट गैसेस हो। गैसियस सॉल्यूशन आर दोज वेयर द सॉल्वेंट इज ए गैस। तो फर्स्ट जैसे देखें गैस इन गैस, तो ये गैस इन गैस सॉल्यूशन होगा। जैसे एयर है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। फॉर एग्जांपल जैसे मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक कंपोनेंट कम होगा एक ज्यादा होगा, इस तरह से मिक्सचर को, गैस इन गैस मिक्सचर को हम गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड है लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। लिक्विड स्मॉल अमाउंट में, गैस एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म को डिसॉल्व कर दिया नाइट्रोजन गैस में तो मिक्सचर बन जाएगा ये लिक्विड इन गैस मिक्सचर। या वाटर वेपर इन एयर, ये कॉमन पाया जाता है, वाटर वेपर एयर में सस्पेंडेड रहता है, इस तरह से लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन बन जाता है। सॉलिड है, थर्ड है सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। जो फॉर एग्जांपल जैसे कैम्फर इज ए सॉलिड, बर्न करते हैं इजिली गैस में डिजॉल्व हो जाता है, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। डस्ट और स्मोक इन एयर, डस्ट के पार्टिकल भी एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, इस तरह से ये गैसियस सॉल्यूशंस हैं। बी कैटेगरी में आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन आर दोज इन विच लिक्विड इज ए सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड होते हैं। तो जैसे फर्स्ट है इसका मतलब गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस स्मॉल अमाउंट में, लिक्विड एक्सेस अमाउंट में। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ऑलरेडी घुली हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, तो ये गैस इन लिक्विड के एग्जांपल्स हैं। फिफ्थ है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एक लिक्विड है स्मॉल अमाउंट में, दूसरा लिक्विड है सॉल्वेंट है एक्सेस अमाउंट में। फॉर एग्जांपल जैसे एथेनॉल हो या मेथेनॉल हो इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, बेंजीन एंड टॉलुइन, इन दोनों का मिक्सचर बना लिया जाए तो ये लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर कहलाएगा। और सॉल्यूशन में एक और खास बात यह है कि सॉल्यूशन में जस्ट जो है ना ये मिक्स होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए एक कंपोनेंट को, मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट, दे ओनली जस्ट मिक्स टुगेदर, वो एक आपस में सिर्फ मिक्स हो जाते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, जैसे सॉल्ट और शुगर इन वाटर, सॉल्ट भी सॉलिड होता है शुगर भी है, और वाटर में आसानी से ये डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सॉल्युबल जो कंपोनेंट्स होते हैं दे जनरली फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। थर्ड है सॉलिड सॉल्यूशन। थर्ड सॉलिड सॉल्यूशंस में फर्स्ट है गैस इन सॉलिड, मतलब गैस स्मॉल अमाउंट में, सॉलिड लार्ज अमाउंट में है। जनरली जो है फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, ये जो एडजॉर्प्शन होता है गैसेस का जनरली सॉलिड सरफेस पर ये एडजॉर्ब हो जाते हैं, और वो फिजिकल मतलब वीक फोर्स और केमिकल मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा उनसे जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से एक सॉल्यूशन बन जाता है गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे हाइड्रोजन एडजॉर्ब ऑन पैलेडियम सरफेस, पैलेडियम इज सॉलिड एंड हाइड्रोजन इज ए गैस। नेक्स्ट है एट नंबर लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड स्मॉल अमाउंट में और सॉलिड लार्ज अमाउंट में, जैसे मरकरी विद सोडियम इन एमलगमेटेड फॉर्म, एमलगम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस तरह से एक लिक्विड है और दूसरा सॉल्वेंट जो है वह सॉलिड होता है। तो इस तरह के एग्जांपल्स। थर्ड जैसे सॉलिड इन सॉलिड, नेक्स्ट नाइन नंबर सॉलिड इन सॉलिड, दोनों ही सॉलिड है। एलॉय जैसे एलॉयस जो है दे आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ब्रास है, ब्रॉन्ज है, अब ये सॉल्यूशन इसलिए बना लेते हैं क्योंकि लगभग जो मेटल एटम्स के पार्टिकल का साइज है ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से ये सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये थे टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसी तरह से कभी कभी हम सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस भी बोलते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन आर दोज इन विच वाटर इज ए सॉल्वेंट। एक्वा मीन्स होता है वाटर, तो जहां पर वाटर एज ए सॉल्वेंट वर्क करेगा उसे एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा जहां पर कोई भी लिक्विड हो, लिक्विड अदर देन वाटर, वेयर द सॉल्वेंट इज ए लिक्विड बट अदर देन वाटर आर कॉल्ड
नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस और नॉन एक्वस भी बोलते हैं। अब यदि हम इसमें देखें तो जैसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में ईथर हो सकते हैं, एल्कोहल हो सकते हैं, बेंजीन, टॉलवीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, अमोनिया। तो इस तरह से डिफरेंट ये जो है अदर नॉन एक्वस भी एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे ये क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टॉलवीन। ठीक है, ईटीसी। तो दीज आर द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो यदि हम पूरे 9 टाइप्स में देखें, जनरली जो मोस्ट कॉमन है सॉलिड इन लिक्विड, एक तो ये जनरली कॉमन होता है लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, मतलब सभी लिक्विड जो सॉल्यूशंस हैं दे आर वेरी कॉमन। और जनरली हमको इस चैप्टर में भी इसी के बारे में ही आगे पढ़ना है। तो आगे है कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या है और उसको हाउ कैन वी एक्सप्रेस देम, इसके बारे में आगे देखते हैं। तो मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ये है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में किसी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कितना है, मान लीजिए कि हमने टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर लिया, तो 1 लीटर में 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, 20 ग्राम है, ये उसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। या 100 ग्राम हो सकता है, 500 ग्राम हो सकता है, डिपेंड ऑन द सॉल्युबिलिटी। तो यदि हम देखें यदि सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जहां पर जितना मिक्स हो सकता है, इस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें हम और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यदि इनको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे यदि क्वालिटेटिवली यदि देखना है तो क्वालिटेटिवली सॉल्यूशंस जनरली डिस्क्राइब्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब जिसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट को मिक्स किया गया हो, और कंसंट्रेटेड वो होते हैं इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, जिसमें लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो वो कंसंट्रेटेड है। तो ये क्वालिटेटिव। बट क्वांटिटेटिवली वी कैन डिस्क्राइब इन मैनी वेज। हम यदि क्वांटिटेटिव है कि कितना अमाउंट है एग्जैक्ट, या कितने परसेंट है, कितने मोल्स है, कितने ग्राम है, इस तरह से यदि रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। और फर्स्ट मेथड है मास परसेंटेज। तो फर्स्ट मास परसेंटेज में द परसेंट में मतलब 100 में से फाइंड करना है परसेंट, तो मास का परसेंट लेना है, मतलब जो से टोटल मास होगा सॉल्यूशन का वो 100 ग्राम में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट या कितने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को मिक्स किया गया है उसको हमें परसेंट में डिस्क्राइब करना है। तो जैसे द मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, मीन्स यदि मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसको जैसे हम सिंबल्स के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास परसेंट ऑफ ए। ए जनरली जैसे हमने सॉल्वेंट को लिया हुआ है या कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, तो मास ऑफ ए कंपोनेंट मतलब डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। यदि दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में तो दोनों का टोटल मास हो जाएगा, और ए का हम मास परसेंट निकाल रहे हैं तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। और इसको हम एक्सप्रेस इस तरह से कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू मीन्स इसको वाई वेट, मतलब ऊपर भी मास नीचे भी मास लिया हुआ है तो वाई वेट इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जैसे बी कंपोनेंट का यदि फाइंड करना है मास परसेंट, तो बी कंपोनेंट के लिए भी इस तरह से फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, मास परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास मीन्स डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। मीन्स यदि यहाँ पर सॉल्यूट का यदि हम फाइंड कर रहे हैं, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो
इस तरीके से हम मास परसेंट को फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से वॉल्यूम परसेंट भी होगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज में मीन्स यहाँ पर भी परसेंट फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब यदि हमने ml लिया हुआ है, टोटल सॉल्यूशन को ml में काउंट कर रहे हैं, तो कितना ml सॉल्यूट या सॉल्वेंट का है टोटल सॉल्यूशन में, लीटर में लिया तो लीटर में ले सकते हैं। जैसे वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम परसेंट ऑफ जैसे सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सेम इसी तरह से वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी का हो जाएगा बी बी अपॉन बी ए प्लस बी बी इंटू 100। और इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं, जैसे जो भी आंसर आएगा 10, 20, 30 परसेंट बाई वॉल्यूम। वाई वॉल्यूम मतलब है वी अपॉन वी, इस दोनों कंपोनेंट को हमने वॉल्यूम में काउंट किया हुआ है। तो इस तरह से मास परसेंट हो या वॉल्यूम परसेंट हो, यदि वॉल्यूम परसेंट ml में लिया हुआ है तो हम ml में लेंगे, लीटर में है तो लीटर में काउंट करेंगे। जनरली इसको हम ml में ही रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी कभी इसको मास बाय वॉल्यूम भी होता है कि मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन गिवन जो है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो ऊपर हो जाएगा मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में देखें मतलब मिलियन, मिलियन का वैल्यू होता है 10 to the power 6। तो किसी क्वांटिटी, मान लीजिए हमने कोई सॉल्यूशन लिया 10 to the power 6 करके, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, ठीक है, इस तरह से डेसी, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, जो भी है, हमें टोटल 10 to the power 6 में से कोई कंपोनेंट कितने पार्ट प्रेजेंट है। जैसे अभी हम परसेंट के लिए 100 में से फाइंड करते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम या 100 ml और 100 liter। सेम इसी तरह से हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 मीन्स पार्ट्स पर मिलियन इसको बोलेंगे। तो द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल ppm ऑफ बी, जैसे हमें बी कंपोनेंट का पार्ट्स पर मिलियन फाइंड करना है, तो मास या वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टोटल मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। अब ये मेथड जनरली तब हम यूज करते हैं व्हेन ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। तो व्हेन ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन ट्रेसेस ऑफ क्वांटिटी या माइन्यूट क्वांटिटी, तभी हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान ले कि अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट इन एयर, वाटर या सॉइल। तो जैसे पार्टिकुलेट जो होता है मीन्स पॉल्यूटेंट होते हैं, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिला, मिक्स कर दिया गया है किसी सॉल्यूशन में है, तो उसको हम किसके द्वारा फाइंड करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि उसमें उसका क्वांटिटी बहुत ही कम होता है। तो जैसे आपने देखा होगा जनरली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जब देखते हैं सिटीज में कितना पॉल्यूशन हो चुका है, उसको ppm में हम उसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ppm में जैसे जनरली माइक्रोग्राम भी हो सकता है और मिलीग्राम में भी इसको लिख सकते हैं, कहीं पर भी, लेकिन हमें सबको कन्वर्ट करना है 10 to the power 6 के फॉर्म में। तो इस तरह से ये ppm है, तो मास के लिए भी यूज कर सकते हैं और वॉल्यूम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मेथड्स हम और बाकी जो मेथड्स हैं अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।